आ रही है हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये हलचल। इस बीच बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल हरियाणा निवास से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज एक ही गाड़ी में निकले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां से रवाना हो गए। आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल हरियाणा निवास से निकल चुके हैं, गृह मंत्री अनिल विज के साथ एक ही गाड़ी में निकले हैं। इसके अपने बड़े मायने हैं। आप समझिए कि क्या कुछ वहां इस वक्त घट रहा है। यह बड़ी खबर, गृह मंत्री अनिल विज के साथ निकले हैं, राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे, फिर नई सरकार का गठन होगा। सीएम मनोहर लाल निकल चुके हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह जो काफिला है ये रवाना हुआ है और हरियाणा में चंडीगढ़ में जो हलचल है वो बहुत तेज हो चली है। हर पल यहां पर कुछ ना कुछ घट रहा है। और जब दिल्ली में सब कुछ समापन हुआ तो उसके बाद चंडीगढ़ में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक हुई, फिर मंत्रियों के साथ बैठक हुई, पार्टी के विधायकों के साथ चर्चा, और अब हरियाणा भवन से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल हरियाणा निवास से निकले हैं, ये बड़ी खबर। गृह मंत्री अनिल विज के साथ एक ही गाड़ी में वो निकले हैं और राजभवन जाकर वो इस्तीफा देंगे, और फिर जो बताया जा रहा है कि 1 बजे नए मंत्रिमंडल का गठन होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा की राजनीति में एक रात में क्या कुछ हुआ है उसका पल पल का अपडेट। अब यह है कि मुख्यमंत्री अब रवाना हो चुके हैं, हरियाणा निवास से निकल चुके हैं और सीधा वो पहुंचेंगे राजभवन। राजभवन में मुलाकात होगी उनकी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से। राजभवन जाकर वो इस्तीफा देंगे और उसके थोड़ी देर बाद ही 1 बजे ये बताया जा रहा है कि नई सरकार का गठन हो जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज के साथ निकले हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ही गाड़ी में गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल रवाना हुए हैं। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा निवास चंडीगढ़ की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर इस वक्त ये हलचल तेज हुई है। और दूसरी ओर हम आपको बता दें कि जो गठबंधन है उसकी गांठें खुल गई हैं, गठबंधन खत्म हो गया है, गठबंधन टूट गया है, और जो 46 का आंकड़ा है बीजेपी उस आंकड़े के पार है। 41 बीजेपी के खुद के विधायक है, 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का समर्थन है, यानी आंकड़ा 48 तक पहुंचता है जो 46 के ऊपर है। और ऐसे में ये गठबंधन जो 2019 में हुआ था वो खत्म हुआ है। और ये लाइव सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का काफिला रवाना होता हुआ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक ही गाड़ी में दोनों रवाना हुए हैं। हरियाणा निवास से निकलकर राजभवन की ओर ये काफिला जाता हुआ, ये बड़े खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन इस्तीफा देने पहुंचे हैं सीएम, सीएम मनोहर लाल इस्तीफा देंगे और थोड़ी देर बाद नई कैबिनेट का जो गठन है वो हो जाएगा। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली से जो ऑब्जर्वर हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। हरियाणा में चंडीगढ़ में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो चली है। मंगलवार का दिन किसका मंगल और किसका मंगल होगा ये सब कुछ अब तय होता हुआ। अगले 1 घंटे में जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ, उससे पहले की स्थिति ये कि जो गठबंधन था वो खत्म हो गया है, वो टूट गया है, गठबंधन की गांठें खुल चुकी हैं, जेजेपी और बीजेपी अलग हो चुके हैं। लोकसभा में सीट शेयरिंग पे शुरू हुआ मामला वो नहीं पहुंचा अपने मुकाम तक जहां तक उसे पहुंचना था, और उसके बाद हरियाणा में हलचल तेज हुई और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला, बैठकों का सिलसिला। अब राजभवन पहुंच रहे हैं सीएम, राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा सौंप दिया है, यह बड़े खबर आपको बता रहे हैं। पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ इस दौरान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे हैं। अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा निवास से एक ही गाड़ी से आज जो है वो राजभवन के लिए निकले थे, और राजभवन पहुंचने के बाद इस्तीफा जो है वो दे दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद अब साफ है कि पूरा एक तरीके से मंत्रिमंडल का इस्तीफा जो है वो हो गया है। औपचारिकता एक तरीके से जो रहती है, मुख्यमंत्री अगर अपना इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी कैबिनेट उनके साथ ही जो वो इस्तीफा मान लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। इस वक्त हरियाणा के राजभवन के आवास के बाहर जोरदार तरीके से गहमागहमी जो है वो बनी हुई है, और लगातार जो है वो यहाँ पर पूरी जो तस्वीर है वो पूरे प्रदेश के सामने जो है
वो दिख रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के साथ ही पूरे मंत्रिमंडल का एक सामूहिक मुख्यमंत्री जो वो नेतृत्व करते हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री के इस्तीफे को पूरी मंत्रिमंडल के इस्तीफे का माना जाता है। और अब हरियाणा में नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, नए मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, उसकी शुरुआत होगी। क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां से इस्तीफा देकर अब निकलेंगे, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में जो हाईकमान ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं वो भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि पर्यवेक्षकों को लेने के लिए एयरपोर्ट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो पर्यवेक्षक जो है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। एक बैठक औपचारिक तौर पर होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुनने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। उसके बाद फिर राजभवन में दोबारा एक बार बीजेपी के विधायक पहुंचेंगे, नए मंत्रिमंडल का शपथ समारोह जो है वो होगा। इस वक्त मैं हरियाणा के राजभवन के बाहर मौजूद हूं। जी जी पवन, पवन सिवर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। पवन, इस्तीफा सौंप दिया है, यानी कि जो शपथ ग्रहण है और इस्तीफा सौंपने के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, सब कुछ बहुत जल्दी होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अब औपचारिकता महज बाकी है और जो पूरी एक स्क्रिप्ट है वो लगभग तैयार की जा चुकी है। उस स्क्रिप्ट के मुताबिक जो विधायक दल की बैठक है वो बुलाई जाएगी। विधायक दल की बैठक में नया विधायक दल का जो नेता चुनने की प्रक्रिया है या जो भी औपचारिकताएं हैं वो उस बैठक में निभाई जाएंगी। इस वक्त मैं हरियाणा राजभवन के बाहर मौजूद हूँ, आपको यहाँ की तस्वीर जो है वो भी दिखा, और साथ ही साथ यहाँ से निकलने के बाद वापिस हरियाणा निवास में ही तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे। सरकार का समर्थन करने वाले जो विधायक हैं उनको हरियाणा निवास ही बुलाया गया है। उनके जाने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा राजभवन की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हरियाणा राजभवन की बाहर की जो हलचल है वो आप जो है वो देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा जो है वो दे दिया है, और इसके साथ ही उनके साथ हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज है वो भी उनके साथ गाड़ी से पहुंचे थे, उसी गाड़ी में सवार होकर जो है वो अनिल विज भी पहुंचे थे। इसके अलावा यहाँ पर निर्दलीय विधायक भी जो है वो अपना समर्थन जो दिया है सरकार को, जो निर्दलीय विधायकों का समर्थन है वो समर्थन की पुख्ता जो एक चिट्ठी है वो भी राजभवन देने के लिए निर्दलीय विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ ही राजभवन पहुंचे हैं। तो जो बड़ी खबर है, जो अपडेट खबर है वो ये कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ निर्दलीय विधायक जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं वो भी राजभवन में मौजूद हैं। राजभवन की तस्वीर आप सामियाना लगा हुआ देख रहे हैं, टेंट जो है ये लगा हुआ देख रहे हैं। हम मान लें कि कैबिनेट जो है वो अब भंग हो गई है, और नई कैबिनेट की तस्वीर क्या होगी अब सारी नजरें उस पर टिकी हैं। बिल्कुल वरुण, निश्चित तौर पर हम आपको जो राजभवन की तस्वीर दिखा रहे हैं ये सामियाना आप देख रहे हैं, एक टेंट लगता हुआ आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये जो टेंट लग रहा है ये नए मंत्रिमंडल के शपथ समारोह के वक्त में जो जलपान का कार्यक्रम होगा उस जलपान के कार्यक्रम के लिए ये टेंट जो है वो लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही इस वक्त हरियाणा राजभवन के अंदर की तस्वीर जो है वो पूरे प्रदेश की लोगों की जो निगाह टिकी हुई है वो अंदर की तस्वीर पर है। जनता टीवी लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहा है कि आज का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अब टूट गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर अपना इस्तीफा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को दे दिया है, और इस इस्तीफा दिए जाने के साथ ही जो मौजूदा संख्या बल है उसमें 41 बीजेपी के विधायक हैं, उनके समर्थन की चिट्ठी और साथ ही सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों का पत्र और उनकी चिट्ठी और उनकी मौजूदगी राज्यपाल के सामने अभी दिखाई गई है। यानी जो निर्दलीय विधायक हैं रणधीर गोलन, नयनपाल रावत, धर्मपाल गोंदर, सोमवीर सांगमान, हलोपा के विधायक गोपाल कांडा, रणजीत सिंह चौटाला वो भी यहाँ पर अपना समर्थन सरकार को है इसकी चिट्ठी देने के लिए पहुंचे हैं। यानी यहाँ से जब निकलेंगे तो अपना बहुमत साबित करके मुख्यमंत्री निकलेंगे, ये निकलेंगे कि अभी बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, उनका आंकड़ा 48 का बनता है
वो 48 करने के बाद फिर बीजेपी की विधायक नीति कैसे होगी, जिसने सरकार का खत्म करने वाले पवन, इसके आगे का सीक्वेंस क्या? अब जो है वो इस्तीफा हुआ है, मतलब कैबिनेट भंग हुई है, अब वापस से एक बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, और उसके बाद फिर राजभवन में आकर के शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस तरह चलेगा कार्यक्रम? बिल्कुल वरुण, जो आप कह रहे हैं उसी मुताबिक अगली तस्वीर, अगला कदम रहने वाला है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री वो कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं। कैबिनेट का नेतृत्व करने के नाते उन्होंने सामूहिक तौर पर पूरी कैबिनेट के मुख्यमंत्री जो वो एक नेता होने के नाते, कैबिनेट का नेता होने के नाते उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा मुख्यमंत्री का दिए जाने से साफ है कि मुख्यमंत्री ने पूरे तरीके से सभी मंत्रियों का इस्तीफे की सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। लेकिन इससे बड़ी जानकारी और इससे बड़ी तस्वीर जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ है, हाथ की हाथ निर्दलीय विधायकों ने सरकार को अपना समर्थन दिया है, समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को दी गई है, 41 बीजेपी के विधायक, इसके साथ ही 7 जो निर्दलीय और हड़प्पा के विधायक को मिलाकर जो 48 का आंकड़ा बनता है, वो 48 का बहुमत यहां पर राज्यपाल के सामने जाहिर कर दिया गया है। और यहां से निकलने के बाद वरुण जो आप बता रहे थे वही तस्वीर, इसके बाद यहां से जाने के बाद बैठक होगी, बैठक में विधायक दल का नेता एक बार फिर से चुनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, विधायक दल का नेता चुनने के बाद की जो प्रक्रिया है वो होने के बाद मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, पुराने मंत्री कितने वापस मंत्रिमंडल में रहेंगे, किसे ड्रॉप किया जाएगा, नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में किसे जगह दी जाएगी, ये सब तय होने के बाद एक बार फिर से अभी जो हम हलचल दिखा रहे हैं ऐसी ही हलचल राजभवन में फिर से दिखेगी, क्योंकि शपथ समारोह औपचारिकताएं जो है वो यहाँ पर फिर से की जानी है। लिहाजा अभी जो तस्वीर है वो इस्तीफे देने की है, निर्दलियों का समर्थन हासिल करके उनकी चिट्ठी राज्यपाल को सौंपने की है। दूसरी तस्वीर तब आएगी जब एक तरीके से विधायक दल की बैठक हो जाएगी, विधायक दल की बैठक में अगली रणनीति का फैसला पवन हो जाएगा। क्या एक बार बता पाएंगे कि कौन कौन पहुंचा है, मुख्यमंत्री उनके साथ अनिल विज, गृह मंत्री और निर्दलीय विधायक, क्या वो पहुंचे हैं, उनके समर्थन की चिट्ठी आई है? अब बिल्कुल देखिए, निर्दलीय विधायकों ने समर्थन की चिट्ठी सुबह ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनके आवास पर जाकर सौंप दी थी। हमारे साथ जनता टीवी से बातचीत में नयनपाल रावत, रणधीर गोलन और गोपाल कांडा ने ये कहा था कि वो अपनी चिट्ठी, वो अपना समर्थन मुख्यमंत्री को दे आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने ना केवल उनकी चिट्ठी तक बात को सीमित रखा है, बल्कि यहाँ पर निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री के पहुंचने के साथ ही राजभवन पहुंचे भी हैं। अब राज्यपाल के सामने भी वो अपना सरकार को समर्थन दे रहे हैं, चिट्ठी के अलावा उनकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पहुंचे तो उनकी राजभवन में हो जाएगी। और यहाँ पर निर्दलीय विधायक जो है वो कई निर्दलीय विधायक मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री होने के नाते कैबिनेट का पूरी का वो नेतृत्व करते हैं, राजभवन का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है जी, दे दिया है मुख्य, बोलिए बोलिए। देखिए राजभवन की बिल्कुल सामने की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, हलचल जरूर है लेकिन दरवाजा जब खुलेगा तो इस दरवाजे के बाद जब हरियाणा निवास में अगली बैठक शुरू होगी और उस हरियाणा निवास की बैठक के खत्म होने के बाद एक बार फिर ये राजभवन का दरवाजा खुलेगा और यहां से प्रदेश के नए मंत्रिमंडल का स्वरूप दिखेगा। हरियाणा में निर्दलियों के समर्थन से जो बीजेपी की सरकार बनेगी उसकी तस्वीर दिखेगी इस राजभवन के दरवाजा खुलने के साथ ही। तो इंतजार सभी को है कि कब ये दरवाजा खुले और इसके बाद फिर जब बैठक हो जाएगी, बैठक के बाद दोबारा कब ये दरवाजा बंद हो और बंद होने के बाद फिर कब खुले, इसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। चूंकि अब जननायक जनता पार्टी के बाहर जाने के बाद, गठबंधन से हटने के बाद निर्दलियों में से किसे मौका मिलेगा, किस निर्दलीय विधायक की लॉटरी लगेगी, किसके ऊपर जो है वो मंत्रिमंडल का ताज सजेगा और विधायक दल का क्या जो है वो फैसला होता है, किस तरीके से आगे रणनीति बनती है, उसके ऊपर सभी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। कि अभी जो है वो जो यहाँ से जो नया जो चेहरा है वो क्या प्रदेश को मिलेगा या क्या स्वरूप होगा, ये तमाम ये एक सवाल ये भी है कि जो 2019 का पोस्ट पोल अलायंस था वो 2024 के प्री पोल अलायंस में नहीं बदल पाया और इसलिए ये जो है जो सरकार की तस्वीर बदल रही है, लेकिन हरियाणा निवास से राजभवन, राजभवन से वापस हरियाणा निवास और हरियाणा निवास से वापस राजभवन, इन चार चक्कर के बीच में पूरी जो तस्वीर है वो अगले एक घंटे में साफ हो जाएगी, ये मान ले पवन?
देखिए वरुण, जो अभी जब यहाँ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकलेंगे और जब वो यहाँ से निकलेंगे तो वो बीजेपी के विधायक के तौर पर निकलेंगे, चूंकि बतौर मुख्यमंत्री वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप चुके हैं, तो जब यहाँ से मनोहर लाल विधायक के तौर पर निकलेंगे तो वो भी बाकी बीजेपी के जो 40 विधायक है उनमें 41वें नंबर के जो विधायक के तौर पर, यानी बीजेपी के 41 विधायकों की हरियाणा निवास में बैठक होगी। उस बैठक में 41 विधायकों के अलावा जो समर्थन कर रहे हैं विधायक, जिसमें निर्दलीय विधायक है और हलोपा के विधायक गोपाल कांडा है, वो सब भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहां पर आलाकमान ने, भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान ने जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, वो पर्यवेक्षक विधायक दल का नेता चुनने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करेंगे। नेता चुनने के बाद जो फैसला लिया जाएगा, पार्टी का जो फैसला होगा विधायक दल का नेता चुनने का, उस फैसले के साथ फिर राजभवन में वो तमाम लोग पहुंचेंगे और उसमें विधायक दल का नेता किसे चुना जाता है, किसका दोबारा से शपथ समारोह होता है, ये जो है वो देखने वाली बात होगी। ये आप बीच बीच में जो राजभवन की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साजो सज्जा का सामान है या जो टेंट लगाया गया है वो लगातार आप देख रहे हैं, जो साजो सज्जा के लिए राजभवन में सजावट के लिए जो फूल और आप जो पुष्प गुच्छ जो मंगवाए गए हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। यहाँ से जो लोग हैं वो लेकर पहुंच रहे हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, और अभी यहाँ से निकलने के बाद जो है वो विधायक दल की बैठक होगी। भाजपा के विधायक दल की बैठक में अगली तस्वीर क्या बनेगी, हरियाणा कैबिनेट का अगला स्वरूप बीजेपी का क्या होगा, किन किन को मौका मिलेगा, साथ ही निर्दलीय के तौर पे जो सरकार को निर्दलीयों का समर्थन मिला है उनमें निर्दलीय विधायकों में या फिर हलोपा के विधायक गोपाल कांडा में किसके सर पर ताज सजेगा, ये जरूर देखना होगा। यानी राजभवन के अंदर एक तरफ तो इस्तीफा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है नई सरकार के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहा है। पूरी प्रक्रिया लगातार जो वो की जा रही है, यहाँ पर राजभवन में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैबिनेट के जो वो मुखिया है, साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल के पास पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उनके साथ हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज भी उसी गाड़ी में सवार होकर राजभवन पहुंचे। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर जो निर्दलीय विधायक है वो भी सरकार को समर्थन कर रहे हैं, इसकी पुख्ता तौर पर वो अपना समर्थन सरकार के साथ उनका, इसके लिए वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये यहाँ से निकलने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक, बैठक के बाद फैसला, फैसले के बाद फिर यहाँ पर राजभवन में एक बार फिर से यही हलचल, यही गतिविधि दिखेगी, क्योंकि जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उस शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य मंत्री भी नई जो शपथ है वो होनी है। किसे मौका मिलता है या मुख्यमंत्री मौजूदा जो मनोहर लाल 9.5 साल से प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्हें ही पार्टी विधायक दल का नेता चुनकर शपथ दिलवाती है या फिर रणनीति क्या होगी, इस पे अभी कुछ भी कहना, जैसे ही कुछ हलचल होगी राजभवन पे हम आपके पास लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए और जो भी पल पल की अपडेट है वो वहां से हमें देते रहिए।